793 TC स्कैंडिनेवियन लुटेरों के एक समूह को देवताओं द्वारा दिए गए पुरस्कार की तलाश में एक अनजान समुद्र की अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। इन बहादुर स्कैंडिनेवियन योद्धाओं ने लंबे समय से पश्चिमी द्वीपों की समृद्ध भूमि के बारे में सुना था। उन्होंने सोने और वैभव की तलाश में मौके को आजमाने का फैसला किया। नॉर्थम्ब्रिया के तट पर उन्होंने पवित्र द्वीप का सामना किया, जहां लिंडिसफर्ने का मठ स्थित था। बेचारे भिक्षुओं को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। वाइकिंग्स ने मठ पर आक्रमण किया और असहाय भिक्षुओं का नरसंहार किया, जिन्होंने ब्रिटिश द्वीपों पर एक अद्वितीय हमला देखा। उस क्षेत्र में इतने पवित्र स्थान पर हमला करने की किसी की हिम्मत कभी नहीं हुई थी। आक्रमणकारियों ने मठ में मूल्यवान सब कुछ लूट लिया, कुछ बचे लोगों को गुलाम बना लिया। लिंडिसफर्ने के मठ पर हमले की खबर तेजी से पूरे यूरोप में फैल गई और उत्तरी अन्य जातियों द्वारा आक्रमण किए जाने के डर ने शेष यूरोपीय ईसाई राष्ट्रों को अपने कब्जे में ले लिया। वाइकिंग युग शुरू हो गया था। स्वदेश लौटने के बाद वाइकिंग मेजबानों का सच्चे नायकों के रूप में स्वागत किया गया। उनके साथ वो पहले कभी नहीं देखी गई मात्रा में धन लाए। आक्रमणों से लूट के रूप में लाए गए सामानों में से गहने, कीमती धातुएं, मसाले और दास थे। वो रोमांच यात्राएं अत्यधिक लाभदायक साबित हुईं। लालच से प्रेरित और पहले खोजकर्ताओं द्वारा प्राप्त प्रसिद्धि के स्तर को हासिल करने की इच्छा ने ब्रिटिश द्वीपों की तरफ जाने वाले नाव और योद्धाओं की संख्या को काफी बढ़ा दिया। हर गर्मियों में उत्तरी पुरुष ईसाई भूमि में उतरे। उन लोगों द्वारा लाए गए अराजकता और आतंक ने ब्रिटनी के निवासियों को विश्वास दिलाया कि अंतिम निर्णय निकट आ रहा था। नॉर्थरस को शैतान द्वारा भेजे गए प्राणियों के रूप में देखते हुए और अपनी लगभग सभी प्रार्थनाओं में वो भयानक उत्तरी पुरुषों से उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, लेकिन वो ईसाई ईश्वर से नहीं डरते थे, क्योंकि वो अपने स्वयं के देवताओं की पूजा करते थे, जिन्होंने खतरे का सामना करने के लिए साहस दिखाया और युद्ध के मैदान में मृत्यु से नहीं डरने वालों का पक्ष लिया। उन युद्ध देवताओं के उपासक गौरवशाली वल्लाह में ओडिन के बगल में अपने स्थान को जीतने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। फिर भी अधिकांश नॉर्डिक्स वाइकिंग्स नहीं थे, कभी भी अभियानों में शामिल नहीं हुए। वो ज्यादातर किसान, व्यापारी या शिल्पकार थे। अपने योद्धाओं की क्रूरता के बावजूद सामान्य आबादी शांत थी और उन्हें कलाओं का शौक था। स्कैंडिनेवियन लोगों की एक समृद्ध संस्कृति थी। उनके विशाल धर्म ने न केवल योद्धा देवताओं की प्रशंसा की, कृषि और जन्म की शक्ति के देवता भी सबसे अधिक पूजे जाने वाले थे। और आध्यात्मिक उत्थान की खोज नॉर्डिक देवताओं की पूजा करने वालों के लक्ष्यों में से एक थी। लेकिन नॉर्वेजियन जैसे लोगों की समृद्धि उनके निवास स्थान के भूगोल से सीमित थी। अपने सुंदर दृश्यों के बावजूद नॉर्वेजियन भूमि कृषि के लिए विशेष रूप से अनुकूल नहीं थी। या तो मिट्टी की कम उत्पादकता, लंबी सर्दियां या भौगोलिक अलगाव के कारण। बेहतर जीवन की खोज ने हजारों स्कैंडिनेवियन लोगों को आइसलैंड, ग्रीनलैंड और ब्रिटिश द्वीपों जैसे उपनिवेशों के दूर के क्षेत्रों में अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटनी के लोग दशकों के आक्रमण के बाद वाइकिंग मौसमी छापे के आदि हो गए। गर्मियों के आने तक एंग्लो सैक्सन अटल आक्रमणों के लिए तैयार हो गए, जिससे उनकी सुरक्षा मजबूत हो गई। फिर उन्होंने सामान्य रूप से अपने जीवन का पालन करने के लिए लूट के अंत की प्रतीक्षा की। लेकिन 865 TC में एक विशाल वाइकिंग सेना क्षितिज पर दिखाई दी, जिसका नेतृत्व पौराणिक रैग्नार लॉथब्रोक की संतानों ने किया, जो किद्वंती के अनुसार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। ये सेना केवल लूटने नहीं आई थी, लक्ष्य जीतना था। अगर मुट्ठी भर वाइकिंग्स पहले से ही ईसाइयों को डर से कांपने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो एक भीड़ ने पूरे इंग्लैंड में दहशत ला दी। उस समय इंग्लैंड का राज्य अभी अस्तित्व में नहीं था। भूमि कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गई थी। उनकी प्रतिद्वंदिता ने आक्रमणकारियों को खदेड़ने की कोशिश करने के लिए एक ठोस गठबंधन को बनने से रोका। उस बंटवारे से फायदा लेकर वाइकिंग्स राजनीतिक जीत तक पहुंचे। उन्होंने बिना कोई खून बहाए कुलीन एंग्लो को अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उन्हें सम्मान देना था और महान मूर्ति पूजक सेना को मजबूत करने के लिए सैनिक प्रदान करने थे। विलुप्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के कारण कई लोगों ने वाइकिंग्स के सामने घुटने टेक दिए।
866 ईसी में महान सेना ने यॉर्कशायर के खिलाफ चढ़ाई की, जो ब्रिटिश द्वीप के उत्तर में सबसे महत्वपूर्ण था। रोमनों द्वारा बनाई गई शक्तिशाली दीवार भी नॉर्डिक क्रोध का सामना नहीं कर पाई। एक ईसाई छुट्टी का लाभ उठाते हुए वाइकिंग्स ने शहर के निवासियों को एक अप्रत्याशित हमले से आश्चर्यचकित कर दिया। यॉर्क पर विजय प्राप्त करने के बाद वाइकिंग्स ने जल्दी से नॉर्थम्ब्रिया के पूरे राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। इंग्लैंड में पैर रखने के बाद वाइकिंग्स ने अपने प्रभुत्व का विस्तार करते हुए पूरे द्वीप में मार्च किया और उन रईसों से संसाधनों की वसूली की जो उनका सामना करने के बजाय रिश्वत देना पसंद करते थे। हालांकि भयानक सेना सभी विजित क्षेत्रियों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उन्होंने देशी कठपुतलियों को राजा बनाने का फैसला किया ताकि वो वाइकिंग्स को भारी सम्मान देते हुए उन डोमेन पर शासन कर सके। इन वर्षों से स्कैंडिनेविया से अधिक योद्धा और बसने वाले इंग्लैंड पहुंचे। उत्तरी लोगों ने इंग्लैंड के 2/3 हिस्से पर अधिकार कर लिया, ये साबित करते हुए कि वो वहाँ रहने आए थे। प्रत्येक गीत ने संकेत दिया कि शेष इंग्लैंड का पतन केवल कुछ समय की बात है। लेकिन इंग्लैंड के दक्षिण में एक राज्य ने वाइकिंग आक्रमणकारियों के खिलाफ बहादुरी से विरोध किया। ये वेसेक्स का साम्राज्य था, जो सभी एंग्लो सैक्सन साम्राज्यों में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली था। एक बड़ी और संगठित सेना के साथ ये सैक्सन लोगों की अंतिम रक्षात्मक रेखा थी। किंग एथलरेड और उनके भाई एल्फ्रेड के नेतृत्व में सैक्सन ने स्कैंडिनेवाई लोगों से लड़ने के लिए एक गठबंधन बनाया। बड़ी लड़ाई हुई और वाइकिंग्स को एक उत्कृष्ट प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। सैक्सन ने कुछ बहादुर चीज और भयानक हार हासिल की, लेकिन महान वाइकिंग खतरे के सामने कभी नरम नहीं हुए। उन लड़ाइयों ने दोनों पक्षों को बर्बाद कर दिया। इस शर्त पर एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे कि महान वाइकिंग्स को सम्मान देना होगा। संघर्ष विराम के बाद कुछ वर्षों तक शांति रही, जब तक कि गुथरम के नाम से जाने जाने वाले एक नए वाइकिंग नेता ने नॉर्डिक्स को वेसेक्स साम्राज्य पर वापस युद्ध को लाने के लिए प्रेरित किया। राजा एथलरेड की मृत्यु के साथ उसका भाई एल्फ्रेड अब वेसेक्स का राजा था। एक विशेष बुद्धि के साथ उन्होंने अपने राज्य का विकास किया, अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया, अपनी नौसेना को मजबूत किया और जल्द ही आने वाले युद्ध का सामना करने के लिए किले बंदे की स्थापना की। एक बेहतर प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना के साथ एल्फ्रेड ने मूर्ति पूजक दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी सेना का मार्गदर्शन किया। ईसाई धर्म के प्रतीकों को लेकर सैक्सन का मानना था कि सच्चे भगवान उनके पक्ष में थे और उनकी नियति आक्रमणकारियों को इंग्लैंड से बाहर धकेलने की थी। एंग्लो सैक्सन और नॉर्डिक आक्रमणकारियों के बीच युद्ध अटल था। इंग्लैंड के लिए लड़ाई बस अभी शुरू हुई थी।